बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह सुभानहू व तआला। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ चैप्टर नंबर 13 एंड टुडे वी विल डिस्कस ओनली द इनिशियल फाइव न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट न्यूमेरिकल एंड द स्टेटमेंट इज द चार्ज ऑफ हाउ मेनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स would be equal to 100 microcoulomb. Assume charge on a one negative particle is 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. So students, ये हमसे ये पूछ रहे हैं कि कितने negatively charged particle पर जो charge की amount है वो 100 microcoulomb के equal होगी, जबकि हमारे पास एक charge पर या वन नेगेटिव पार्टिकल पर जो चार्ज है स्टैंडर्ड जो हमें बता दिया वो 1.6 इनटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 है। स्टूडेंट, एक्चुअली दे आर ट्राइंग टू डिस्कस अबाउट द रेशियो बिटवीन द चार्ज ऑन द पार्टिकल, और यहाँ पर हमारे पास कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है। यहाँ पर एक जनरल रिलेशन हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसकी मदद से हम वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने गिवन डाटा पर आते हैं स्टूडेंट, और गिवन डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास दो चीज़ें अवेलेबल हैं। इन फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास जो सबसे पहले नंबर पर चीज़ अवेलेबल है स्टूडेंट, वो है इज इक्वल टू क्यू एंड इट इज इक्वल टू 100 माइक्रो कूलम। स्टूडेंट, इसको अगर स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करें तो ये वैल्यू बनेगी 100 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 कूलम। सेकेंड थिंग दैट वी हैव इन दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है उसकी वैल्यू है 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम। तमाम वैल्यू स्टैंडर्ड में आ चुकी हैं, वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और हम इसको n के इक्वल जो है वो कंसीडर करते हैं। स्टूडेंट, अगर हम फॉर्मूले की बात करें जो कि इन दोनों के दरमियान एक डायरेक्ट रिलेशन को डिस्कस कर रहा है, तो डायरेक्ट रिलेशन को डिस्कस करने के लिए जो फॉर्मूला हमें हेल्प कर सकता है स्टूडेंट, वो सिंपल ये हो सकता है कि इफ वी कंसीडर दैट द चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन, सो वी कैन राइट द n एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स वन चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करने हैं तो फिर हम ये फॉर्मूला सिंपल वाला जो है वो ड्राइव आउट करके यूज कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट मैं इसके अंदर से फाइंड आउट करना चाहता हूँ एन, तो ये फॉर्मूला कुछ यू चेंज होगा, क्यू ओवर ई इज इक्वल टू एन, एंड वेन वी सब्सटीट्यूट द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला द एन विल बिकम एज द वैल्यू ऑफ क्यू इज 100 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 ओवर 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19। अगर हम स्टूडेंट इन वैल्यूज को कैलकुलेट करें तो ये मेरे पास ऊपर वाले टू जीरोस और माइनस 6, तो ये मेरे पास स्टूडेंट वैल्यू बनेगी जीरोस को अगर हम यानी कि 10 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस 6, और ये जो माइनस 19 है इसको भी ऊपर शिफ्ट कर दें तो ये बन जाएगा प्लस 19 एंड ओवर 1.6। स्टूडेंट, अब देखें कि 19 एंड 2 21, 21 माइनस 6 हाउ मच 15। तो स्टूडेंट ये हमारे पास वैल्यू बन गई 10 रेज टू पावर 15 ओवर 1.6। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर भी डेसिमल है, तो डेसिमल को अगर हम खत्म करना चाहें तो हमें 10 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा, और ये 10 आकर ऊपर फर्दर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो ये हमारे पास वैल्यू बन सकती है 10 रेज टू पावर 16 ओवर 16। और अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो स्टूडेंट ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर जो है वो कुछ यूं आएगा, विच इज इक्वल टू ये बनेगा स्टूडेंट 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर 14, एंड दिस इज द आंसर। इसी तरह स्टूडेंट अगर हम अपने सेकंड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट की तरफ आए तो सेकंड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट हमारे पास कुछ इस तरह से अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल दे आर ट्राइंग टू डिस्कस अबाउट द टू पॉइंट चार्जेस Q1 इज इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम एंड Q2 इज इक्वल टू 5 माइक्रोकूलम are placed at a distance of 150 centimeter apart. What will be the Coulomb's force between them? Also find the direction of the force. Student, यहाँ पर हमें ये कह रहे हैं कि दो charges हैं, एक की value 10 microcoulomb, दूसरे की value 5 microcoulomb है,
और इसी तरह से इन दोनों को हमने 150 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक दूसरे से दूर करके रख दिया है। और यहाँ पर स्टूडेंट ये देखें, फिर उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो आपको कूलम्स की फोर्स फाइंड आउट करनी है, फोर्स कूलम्स की फाइंड आउट करनी है, और उसके बाद डायरेक्शन भी आपने बताया। तो अगर इसके गिवन डाटा के अकॉर्डिंग स्टूडेंट हम सेकंड न्यूमेरिकल पर आ जाए, तो हमारे पास सबसे पहले नंबर पे तो Q1 हमारे पास अवेलेबल है विच इज इक्वल टू 5 माइक्रो कूलम, Q2 हमारे पास अवेलेबल है स्टूडेंट विच इज इक्वल टू 10 माइक्रो कूलम। स्टूडेंट माइक्रो कूलम्स को अगर खत्म करके कूलम में शिफ्ट करें तो इट इज मल्टीप्लाई बाय -6 कूलम एंड इट इज ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय 10^-6 कूलम। फाइंड हम लोगों ने करनी है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फॉर्मूला है कूलम्स लॉ का, एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर। के की वैल्यू स्टूडेंट हमें ऑलरेडी पता है, अगर नहीं पता तो आपको ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी विच इज इक्वल टू 9×10^9। अच्छा, इसी तरह से अगर अब हम इसके अंदर फर्दर अपनी वैल्यूज को पुट कर दें, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दें, तो स्टूडेंट हमारे पास ये फॉर्मूले से वैल्यू आती है F इज इक्वल टू के इंटू 9×10^9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यूनिट हम ना भी लिखें तो खैर है। और ये वैल्यू आ गई यहाँ से 5×10^-6, 10×10^-6 एंड ओवर आर स्क्वायर। डिस्टेंस हमने मेंशन नहीं किया स्टूडेंट, सॉरी, डिस्टेंस हमारे पास R इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर है। इसको कन्वर्ट कर दें मीटर के अंदर, व्हेन यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द मीटर then you should divide it by 100 and the answer will become 1.5 meter. So 1.5 का whole square. So F की value student अब आपके पास क्या आने वाली है, सबसे पहले number पे तो जो आपके पास multiply 10^10 वाली values हैं उनको separate कर दें, और इसी के साथ साथ फिर जो आपके पास common values हैं उनको separate कर दें। जब आप इसको इस pattern पे arrange करेंगे तो आपकी value कुछ यूँ बनेगी, 9×5×, हम इस 10^1 को भी इसमें ऐड कर देते हैं डायरेक्टली। अच्छा, फिर हमारे पास बनेगा 10^9×10^-6×10^-6+1-5 और डिवाइडेड बाय 1.5 का होल स्क्वायर। जब आप फाइंड आउट करते हैं तो इसका आंसर आपको मिलता है स्टूडेंट 2.25। अब ये देखिए कि 9×5 हाउ मच, 45 मल्टीप्लाई ऊपर वाली वैल्यूज को कैलकुलेट कर दें स्टूडेंट, -6 and -5 -11, -11+9 यानी कि अब हमारे पास वैल्यू सिर्फ बच रही है 2 की, -2 की एंड होल डिवाइडेड बाय 2.25। इसी तरह जैसे कि लास्ट न्यूमेरिकल में किया, हम यहां से चाहें तो इसके डेसिमल को खत्म कर सकते हैं, और अगर डेसिमल को खत्म करना है स्टूडेंट 100, अब ये जो 100 है इसके डेसिमल को खत्म करके आया तो ये वैल्यू हमारी कुछ यूं बनेगी 45×10^-2, 100 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई बाय 100 और 100 का मतलब होता है 10^2 एंड डिवाइडेड बाय 225। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू तो कैंसिल, क्योंकि नेगेटिव 2 और पॉजिटिव 2 आपस में सॉल्व हो जाते हैं, और फाइनली आपके पास 45/225 को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 0.2 एंड द यूनिट फॉर द फोर्स इज न्यूटन एंड हेंस इट इज आंसर। अब स्टूडेंट ये देखें कि आपके पास फोर्स जो है वो बहुत ही ज्यादा कम हो रही है, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स जीरो से भी नीचे जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि इसके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है बल्कि अब रिपल्शन स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और दूसरी बात यह कि क्योंकि हमारे पास इट नॉट पॉसिबल कि सारे के सारे जो चार्जेस अवेलेबल हैं, नो डाउट कि उनका साइज चेंज हो सकता है लेकिन चार्जेस सेम थे, इस वजह से यहाँ पर रिपल्शन शो की। तो यहां पर फिर हम कहेंगे कि देयर विल बी द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन दीज चार्जेस। अगर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 पर, न्यूमेरिकल नंबर 3 पर, और इसकी स्टेटमेंट को डिस्कस करें स्टूडेंट, तो इसकी स्टेटमेंट कुछ यूं है, द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस, यानी एक ही तरह के हमारे पास यहां पर चार्जेस अवेलेबल हैं, इज 0.8 न्यूटन। When the charge are 0.1 meter apart, so find the value of each charge. हमने हर चार्ज पर कितना जो है वो हर क्यू पर कितना चार्ज अवेलेबल है हमने वो फाइंड आउट करना है, और हमारे पास यहाँ पर दो चीजें सिर्फ और सिर्फ जो है वो अवेलेबल हैं। सबसे पहले नंबर पे तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू आइडेंटिकल चार्जेस, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन को हम मेंशन कर लेते हैं, फोर्स ऑफ रिपल्शन इज इक्वल टू 0.8 न्यूटन, वेयर एज द डिस्टेंस बिटवीन द टू आइडेंटिकल चार्जेस आर
0.1 meter, I think so. Yes, 0.1 meter. Okay. Now we have to find out the two identical charges. Two identical charges means Q1, Q2. क्योंकि identical हैं तो इसका मतलब दोनों ही same हैं. तो हम इसको equal रख लेते हैं Q के. यानी कि Q1 भी Q है, Q2 भी Q है. So let's consider what will be happen. Actually the formula for the this numerical is K Q1 Q2 over R square. But as we assumed that the two charges are identical, so we can change the formula as F K Q square over R square. Q square इस वजह से आया क्योंकि Q और Q, Q1 की जगह पर भी Q, Q2 की जगह पर भी Q, तो Q multiplied by Q is equal to Q square. अब स्टूडेंट अगर हम देखें क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है Q को, तो हम Q को सेपरेट करते हैं. फॉर्मूला स्टूडेंट कुछ यू बनेगा एंड इट इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर. लेकिन स्टूडेंट हमने कभी भी वैल्यू को स्क्वायर में फाइंड आउट नहीं करना होता, सिंगल वैल्यू में फाइंड आउट करना होता, तो इसलिए हम यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे. और वेन यू टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड जस्ट लाइक दिस, सो द आंसर और द फॉर्मूला विल बिकम एफ आर स्क्वायर ओवर के एंड इज इक्वल टू क्यू. एंड एज यू नो दैट इन द प्रीवियस न्यूमेरिकल वी assume the value of k as 9 into 10 to the power 9 newton meter per coulomb square. So यहाँ पर भी हम वही value जो है वो note down करेंगे. लेकिन अगर हम given value को इसके अंदर put कर दें student, तो हमारा answer क्या बनेगा? Let's check. For example, f की value 0.8, r की value 0.1 and square, k की value 9 into 10 to the power 9 और बस क्यू हमने यहाँ पर जो है वो फाइंड आउट करना. इसका अगर हम स्टूडेंट स्क्वायर लेते हैं तो ये वैल्यू बनती है 0.8 एंड 0.01 एंड इट इज इक्वल टू 9 इनटू 10 रेज़ टू पावर 9 व्हिच इज इक्वल टू क्यू. और ये वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास कुछ बनेगी, स्टूडेंट हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं. 0.8 को स्टूडेंट 0.01 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ रहा है 0.008 and divided by 9 into 10 raised to power 9. Student, अगर आप कैलकुलेटर से इसकी डायरेक्ट कैलकुलेशन करें तो इसका आंसर जो मेरे पास आ रहा है ये बन रहा है 9.4 into 10 raised to power minus 7. और क्योंकि हमने बात की थी चार्ज की, तो चार्ज का मतलब यूनिट होगा कूलम का, एंड हेंस दिस इज द आंसर. और यहाँ पर स्टूडेंट एक पॉइंट ये याद रखिएगा, क्योंकि हमें ये बात की गई थी कि we have two identical charges, so इसका मतलब यह है कि यही same charge Q1 का भी होगा, यही same charge Q2 का भी होगा. अच्छा student, अगर हम बात करें अब अपने fourth numerical की, तो fourth numerical की statement है two charges repel each other with a force when they are 5 cm apart, find the force between the same charges when they are 2 cm apart. Student यहाँ पर बहुत ही आसान सा हमारे पास formula है. जैसे कि हमने अभी थर्ड न्यूमेरिकल किया, सेम यही चीज़ आपने यूज़ करते हुए जो है वो अपना सेकंड यानी कि फोर्थ न्यूमेरिकल जो है वो खुद से सॉल्व करना है. ये आपके लिए आपकी असाइनमेंट है, बहुत ज़्यादा आसान सा है, इसको ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने के लिए. हम आते हैं अपने लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ. स्टूडेंट लास्ट न्यूमेरिकल की अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट लास्ट न्यूमेरिकल है द पोटेंशियल एट a point in an electric field is 10 raised to power 4. और इसी तरह से if a charge of 100 microcoulomb is brought from infinity to this point, what would be the amount of work done on it? फिर हमारे पास work done की value जो है student वो क्या होगी, ये हम लोगों ने यहाँ पर find out करना है. Student बहुत ही simple सा हमारे पास ये formula है, easy सा. हम स्टार्ट करेंगे इसके गिवन डाटा से. गिवन डाटा के अकॉर्डिंग हमारे पास दो चीज़ें अवेलेबल हैं, पोटेंशियल और चार्ज. अगर स्टूडेंट हम आए अपने इस फिफ्थ न्यूमेरिकल पे, तो पोटेंशियल स्टूडेंट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द वी. इसकी वैल्यू हमारे पास जो अवेलेबल है पोटेंशियल की, इट इज 10 raised to power 4 वॉल्ट. और इसी तरह से जो चार्ज स्टूडेंट हमारे पास अवेलेबल है, द वैल्यू ऑफ द चार्ज इज 100 microcoulomb, पॉजिटिव 100 microcoulomb. इसको अगर हम कन्वर्ट करें स्टूडेंट तो 100 × 10⁻⁶ coulomb और ये वैल्यू हमारे पास बन जाती है 2 − 6 = 4 × 10⁴ - 4 coulomb. हमने फाइंड आउट स्टूडेंट यहाँ पर क्या करना है, फाइंड हमने करना है यहाँ पर वर्क डन को. फॉर्मूला स्टूडेंट वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए पोटेंशियल वाला यूज़ करेंगे, विच इज इक्वल टू द पोटेंशियल work done on a unit positive charge to bringing it from the point of infinity to within a field.
अगर हम इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर दें, लेकिन हमें पहले W को सेपरेट करना है, तो W सेपरेट करेंगे ये बनेगा V एंड Q. W इज इक्वल टू V की वैल्यू स्टूडेंट 10 रेज़ टू पावर 4 है, मल्टीप्लाईड बाय द चार्ज 10 रेज़ टू पावर माइनस 4. वैल्यू कैलकुलेशन के बाद स्टूडेंट आपके पास सारी की सारी आपस में कैंसलेट हो जाती है, यानी कि 10 रेज़ टू पावर 4 और माइनस 4 को कैंसिल करने का मतलब यह है कि हमारे पास आंसर 1 आएगा. 1 क्यों आएगा ये अंडरस्टैंड कर लें. 10 रेज टू पावर 4 और नेगेटिव 4 को अगर हम डिनोमिनेटर में लिख दें स्टूडेंट 10 रेज टू पावर 4 तो पॉजिटिव है, कटिंग करने के बाद आंसर क्या बनेगा 1, 0 नहीं होता. तो इसको याद रखिएगा. वर्क डन का यूनिट स्टूडेंट हमारे पास होता है जाउल, और हेंस दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द 5th न्यूमेरिकल ऑफ दिस लेसन. नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज़.